हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे डिसइन्फेक्शन ऑफ वाटर बाय पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका फार्मूला होता है KMnO4। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देर लेट लेट होने के कारण। तो वीडियो में ये है आज आप लोग खास कि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है बहुत ही स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण जब पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डाला जाता है तो वो भी नेसेंट ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। जो नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है ये जो है नेसेंट ऑक्सीजन है। जब नेसेंट ऑक्सीजन को जो नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कि पानी में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर के साथ साथ बैक्टीरिया को भी किल करने की कैपेसिटी उसमें होता है। ये तो हो गया पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में, लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये जो ट्रीटमेंट करता है वो ट्रीटमेंट का इसका प्रोसेस क्या है। तो ट्रीटमेंट का प्रोसेस इसका ये है कि जब हम लोग ट्रीटमेंट करने के पहले हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट को रिक्वायर्ड अमाउंट में या थोड़ा मात्रा में लेस अमाउंट में हम लोग पहले बुकेट में लेते हैं, उसको मिक्स करते हैं। मिलाने के बाद उसको हम लोग वेल में डाल देते हैं। यह मेथड पॉपुलर किस लिए है? गाँव में जो कुआँ है वेल है उसको डिसइन्फेक्टेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए ये इस मेथड का उपयोग किया जाता है। इसके लिए जनरली ये मेथड गाँव में ही उपयोग किया जाता है। तो हम लोग बुकेट में मिलाने के बाद हम लोग वेल में डाल देते हैं, और वेल में डाल के हम लोग मिक्स कर देते हैं अच्छा से। अब हम लोग देखते हैं वेल का पानी का कलर। यदि वेल वाटर का कलर पिंक है, इसका मतलब कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। यदि वेल वाटर का कलर पिंक नहीं आ रहा है, दिस अपीयर पिंक अपीयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर है। तो हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है कि पानी से ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करना। तो हम लोग को पानी से ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करना है, तो इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट के क्वांटिटी को बढ़ाएंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट के क्वांटिटी तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि वेल में पिंक कलर शो करने लगे। इसका मतलब जब तक पिंक कलर शो नहीं करेगा तब तक हम लोग क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। जब पिंक कलर शो करने लगेगा तो हम लोग क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे, और इसका मतलब कि पिंक कलर शो करने लगे इसका मतलब कि उसमें अब ऑर्गेनिक मैटर नहीं है। इसका डोज जो होता है 1 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम होता है, और कॉन्टैक्ट पीरियड 6 4 to 6 आवर होता है। KMnO4 से जो पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है उसको 48 घंटा के लिए छोड़ दिया जाता है, उसका यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें प्रेसिपिटेट बन जाता है जो कि पानी में मिक्स हो जाता है। अब इसका रिमार्क क्या है? ये चीप है, सभी जगह अवेलेबल होता है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये गारंटी नहीं देता है कि ये 100% बैक्टीरिया को किल कर सके। और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि जो प्रेसिपिटेट बनता है वो पानी में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होने के बाद उसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, यानी इजीली रिमूव नहीं हो पाता है, और उस ये पानी में ब्राउन कलर भी प्रोवाइड कर देता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट जनरली गांव में यूज किया जाता है वेल वाटर को डिसइन्फेक्टेंट करने के लिए, यानी वेल वाटर को ट्रीटमेंट के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग के यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। यदि आप लोग को और भी कुछ का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को उस वीडियो प्रोवाइड करें, और हमको मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको प्रोत्साहन मिले और हम और अच्छा से अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद। थैंक यू।